आज 28 जून है और हमने लास्ट डे शूट किया था 18th of March और ऑलमोस्ट पूरे 100 दिन के बाद हम लोग दोबारा सेट पर आए हैं और इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज वी ऑल एंजॉय शूटिंग है, हम सब बड़ा मज़ा करते हैं, सेट के बड़ा एंजॉय करते हैं और जब पहली बार आया, पहली बार मतलब आफ्टर 100 डेज आ रहा हूँ मैं बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक अ डेजा वू काइंड ऑफ फीलिंग एंड पहले आके मैंने अपना रूम चेक किया बिकॉज ये रूम है जहाँ पे हम लोग 5 साल से मैं रोज़ दिन के 8 से 10 घंटे गुजारता हूँ एंड अपनी चीज़ें देखी मैंने जो जगह पे हैं क्या है क्या नहीं एवरीथिंग इज़ देयर एंड उसके बाद मैंने देखा हाइजीन मेजर्स की क्या हाइजीन है क्या है क्या नहीं एवरीथिंग पर्सनली आई ऑल्सो वाज चेक और उसके बाद फिर मैं मेकअप कराने बैठा, मैंने मेकअप कराया देन आई केम ऑन द सेट्स. मुझे लगा था कि यू नो इनिशियली बिकॉज हम लोग 100 दिन के बाद नो टू गेट द कैरेक्टर हैंग ऑफ इट, बट ऐसा हुआ नहीं. मतलब यू नो इट वाज लाइक द मोमेंट आई पुट द मेकअप एंड वेयर माय कॉस्ट्यूम आई बिकम विभूति. सो वो उसकी कोई मतलब यू नो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर आगे के एपिसोड्स को लेकर? आगे के एपिसोड में आपको और ज़्यादा जोश के साथ हम लोग कॉमेडी करते दिखेंगे बिकॉज क्या कि ये 100 दिन का भरा हुआ है सबके अंदर. एवरीबडी इज गोइंग टू बी एवरीबडी इज चार्ज एंड दे गेट द रेडी टू गिव बेस्ट. सो देखिए डेफिनेटली सर कुछ मैसेज अपने चाहने वालों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो 100 दिन इंतज़ार किया नए एपिसोड्स का तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स कर रहे हैं शूट अभी बिकॉज हमारे राइटर्स को भी टाइम मिला, हमको भी टाइम मिला एंड वी आर बैक नाउ एंड होपफुली आप लोग इन्जॉय करेंगे.